जीता हुआ देखा जाए तो फिर विशाल जीता मतलब विशाल, हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना छोटा शहर से आसाम से आकर आज मुंबई में 8-8 महीना बैठ के सुपर डांसर ट्रॉफी लेके, ये तो सब कुछ जनता का हाथ का काम है, क्योंकि आज जनता ने इतना सारा 20 साल को वोट दे के सपोर्ट कराया है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और जैसे सोनी टीवी सुपर डांसर को भी क्योंकि बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शो मतलब इतना लंबा चला, मतलब उसके लिए भी क्योंकि विशाल मतलब जैसे फेमस मतलब ऐसा फेमस हो गया, मैं भी कहीं अगर बाहर निकलता हूँ तो अंकल आपको भी सेल्फी बोल के बोलते हैं। आज वो जो इज्जत वो विशाल के तरफ से सुपर डांसर सोनी चैनल के तरफ से जो मिल रहा है वो तो ज़िंदगी भर तक नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि ये लड़का का टैलेंट की वजह से हुआ है। और तो मेरा मतलब जिस अवस्था में था मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, एक समय ऐसा सोचा था कि बच्चे को कैसे करके आगे तक ले के जाऊँ, तो वो जो सपना मैं भी कुछ कोशिश किया, इसका मम्मी ने भी कोशिश किया, आज बच्चे ने उससे भी ज़्यादा कोशिश किया, तो उसके लिए आज जनता सारा मतलब सपोर्ट किया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद। मैम आपके मन में क्या चल रहा था देखा जाए तो, जब वो विनिंग का वो जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो वो बताएंगे थोड़ा सा? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि विशाल जीतेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कोई और जीतेगा, विशाल तो फाइनल तक आ गया, वो भी बहुत है हमारे लिए। अच्छा, किसके जीतने के चांसेस लग रहे थे आपको? मुझे तो लग रहा था आकाश पापा जीतेगा, क्योंकि वो 2 हफ्ते से हाई स्पोर्ट में था ना, तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि विशाल का नाम भी अनाउंस होगा। मैं तो पागल ही हो गई थी विशाल का जब नाम अनाउंस कर रहे थे, मैं तो खुशी के बारे में रो या हंसू मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखा जाए तो आपने गाय बेच के यहाँ तक आए हैं आप, देखा जाए तो फिर विशाल को आगे चांस मिला। जैसे विशाल सीजन 1 में भी विशाल आया था, तो सीजन 1 में विशाल आया था, मैं उसके लिए मतलब वो बोला था कि सर ने बोला था एक बार ऑडिशन दिलाओ, तो मैंने ऑडिशन दिलाया जैसे सीजन 1 में, तो मैंने 2 गाय बेच के मुंबई तक पहुँचाया था। तो 2 गाय बेचने का वजह से जैसे मेगा ऑडिशन से जब निकल गया तो जैसे विशाल रोने लग गया, उसी दिन मैंने थोड़ा मन में दुख लगा था कि चलो भाई दूसरी बार ट्राई करेगा बोल के, तो भगवान ने भी साथ दिया। मैं इतना ही मतलब सोचा था कि अगर घर बार भी चला जाए कोई भी बात नहीं है, किंतु विशाल को एक दिन अगर विशाल का सपना अगर यहाँ तक है तो भगवान और जनता ने पहुंचाया, उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छा। और सोनी चैनल ने गाय भी दिया है सुपर डांसर सोनी चैनल, बाबा रामदेव जी ने भी गाय दिया है, और हरिद्वार भी मौका मिला है, रामदेव बाबा से बैठ के खाना खाने के लिए बात करने के लिए भी मौका मिला है, और उनके साथ एक कृषि मंत्री भी था उनके साथ भी बैठ के मनता है मतलब मौका मिला है। वो तो ज़िंदगी भर का वो तो ज़िंदगी में सपना में भी नहीं सोचा था कि वो तो विशाल का टैलेंट की वजह से उसका किस्मत का मतलब टैलेंट की वजह से आज वो हुआ है। और तो मैं सारा आसाम मतलब ऐसा छोटा शहर से आके आसामवासी लोग ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं विशाल के लिए फ्लाइट के टिकट बनाने के लिए कलकत्ता ऑडिशन के लिए किया था, तो हम लोग का नेपाली गोरखा सम्मेलन मिलके सारा 500-1000 रुपया करके फ्लाइट का टिकट बनवा दिया था, वो भी बहुत चंदा मतलब विशाल के लिए, क्योंकि वो गुवाहाटी ऑडिशन सेलेक्ट हो रहा है, तो हम लोग का आसाम में बाढ़ हो रहा था, सुपर भी नहीं चल रहा था, तो फ्लाइट का टिकट बोल के जैसे कलकत्ता में 6 तारीख का टिकट है, हम लोग को 4 तारीख को रिजल्ट आया, तो 6 तारीख को अपना पास पैसा भी नहीं था, तो सारे नेपाली आसामी जितना भी आदमी हम लोग आसाम का मिल के गोरखा सम्मेलन मिल के विशाल के लिए जो टिकट बनवा दिया था वो तो बहुत बड़ा गर्व की बात है। ओके, या इसको 15 लाख भी मिले हैं देखा जाए तो विशाल को, तो उन पैसों का क्या करना है अभी? अभी तो विशाल के लिए वो रखेंगे, क्योंकि उसको भी आगे जाके कुछ करना है, तो वो भी विशाल के लिए थोड़ा उसका करियर के लिए वो थोड़ा रखेंगे हम लोग। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं विशाल जनता की वजह से जीता है, वोटिंग की वजह से, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? जनता की वजह से जैसे मैं विशाल काल सुपर डांसर में ट्रॉफी जीतने के बाद विदेश बाहर से दुबई सऊदी अरब लंदन से जैसा फ़ोन किया है हमको, बोलता है अंकल आप वीसा बनाइए पासपोर्ट बनाइए हम लोग रेडी है बोल के बोला, हम लोग तो यहाँ पर आपको वीडियो कॉल करके मेरे को दिखा रहा था, इतना आदमी सपोर्ट कर रहा था बाहर से भी, तो वो इंडिया से भी इतना सपोर्ट कर रहा था आसाम से, जैसे 1,20,00,000 वोट जो विशाल को आया है वो तो हम लोग ज़िंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था, बहुत जनता का ही हाथ का कमाल था, ये जनता ने इतना सपोर्ट किया। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि अगर मेरा लेवल का कोई भी आ जाए तो सारे जनता को यही बोलता हूँ कि इसी तरीका के सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।